Hi, this is Khushbu with a new problem of linear equations. So this is question number 3, part 5 of exercise 3.3. So it says find the solution using the substitution method. Again, हमारे को substitution method को use करके values find करने हैं. A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. So कह रहे हैं fraction क्या है? Fraction कैसे बनता है? एक numerator होता है, एक denominator. तो कह रहे हैं numerator और denominator के अंदर अगर हम 2 add करते हैं दोनों में तो it becomes 9/11 and if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6. Find the fraction. तो सबसे पहले हम करेंगे left the numerator and denominator dx and y respectively. हमने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को लेट कर दिया, न्यूमिनेटर को x, डिनोमिनेटर को y. अब बिल्कुल क्वेश्चन अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसे चलेंगे. फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, 9/11 बन जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. तो न्यूमिनेटर x और उससे भी 2 ऐड कर दिए, डिनोमिनेटर जो भी y था उसको भी 2 ऐड कर दिया, तो हमारा फ्रैक्शन बनता है 9/11. अब सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पर ये कौन सी दोनों चीजें हैं? यहाँ पर भी फ्रैक्शन है, इनको क्रॉस नहीं करना है. तो 11 को इससे करेंगे, ये बनेगा 11x+2 = 9y+8. तो बनेगा 11x+22 = 9y+18. तो 11x 9y को इधर ले आते माइनस 9y = 22 को उधर ले जाते 18 - 22. तो 11x माइनस 9y = -4. ये हमारी यहाँ पर फर्स्ट के लिए सेम डेज और हम करते हैं सेकेंड डे. अब कह रहा है 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर अगर हमने 3 को ऐड किया तो फ्रैक्शन बिकम्स 5/6. फ्रैक्शन बन जाता है 5/6. अब इसे क्रॉस में करना है, ये बनेगा 6x+3 = 5y+. तो बन गया 6x+18 = 5y+15. तो भी 5y इधर आ जाएगा, तो बनेगा 6x - 5y = 15 - 18. तो बन गया 6x - 5y = -3. तो ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन. अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके इनका वैल्यू निकालना. तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ रही है हमारी 11x - 9y. फर्स्ट इक्वेशन इज 11x - 9y = -4. सो यहां से अगर मैं x का वैल्यू निकालूं और इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करूं तो बनेगा 11x = -4 + 9y. सो x = -4 + 9y/8. ये एक्स का वैल्यू है. अब इस एक्स के वैल्यू को हम पुट करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन सेकेंड. सो एक्स के वैल्यू पर 6x - 5y = -3. तो x का वैल्यू पुट करेंगे तो -4 + 9y/11 - 5y = -3. सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 - -4 = -24. तो प्लस का साइन 6 - 54/4y/11 - 5y = -3. अब हम लेंगे इसका एलसीएम. तो ये हमारे पास बन जाएगा एलसीएम लेंगे तो आएगा 11. 11 को 11 से डिवाइड किया तो ऊपर न्यूमिनेटर आ रहा था -24 + 54 y. तो नेगेटिव साइन 11 को 1 से डिवाइड किया 11 लेकिन आंसर इज 55y = -3. 11 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -24 + 5y - 55y = -33. सो -5y - 55y = -33.
plus 24. ये जो जाके इसमें आएंगे. तो हमारे पास y आ गया minus 15y is equal to minus 9. So y is equal to minus 24. This is 54 by LCM via 11 minus 24 plus 54 by minus 55 by minus 3. Exactly, the cross multiply minus 24 minus 5 equal to minus 33. So minus 24. माइनस y is 9 is equal to minus 3. 6x minus 45 is equal to minus 3. 6x is equal to minus 3 plus 45. 6x is equal to 42. X का वैल्यू आ गया 42 by 6 means 7. So x का वैल्यू आ गया हमारे पास 7. तो हमारा फ्रैक्शन बेसिकली यूनिट हमने लेट किया था x और डिनोमिनेटर था y. सो उसके एंड में हमसे पूछा है फाइंड द फ्रैक्शन. So, numerator होता है x, denominator is y, ये है fraction. So, our numerator is 7, denominator is 9. So, this is the fraction 7 by 9. So, ये क्या exercise 3.3 का question number 12 का दिख पा. If you have कोई भी doubts हो, कोई भी queries हो, please do write to us. नीचे जो space given है, उसमें लिखिए. और some more questions के लिए, please do watch the next video. Goodbye, sayonara.